दोस्तों क्या आपके साथ भी ये समस्या है कि खांसते टाइम, छींकते टाइम या फिर हंसते टाइम, या फिर जब आप बहुत जोर से भागते हैं, रनिंग करते हैं या फिर जंपिंग करते हैं तो आपका यूरिन बीच में लीक कर जाता है, यानी आपका जो पेल्विक एरिया है वो, उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। ये प्रॉब्लम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को होती है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग शाय फील करते हैं और ये सोच कर बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वही फेस कर रहे हैं, ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ है कि ज़ोर से हंसे तो मे बी मुझे प्रेशर लग रहा होगा यूरिन का तो बीच में आ गया थोड़ा सा, ये वाला हम फील लेकर बैठ जाते हैं। बट आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को अभी से कंट्रोल कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, बड़े लोगों के डायपर्स आते हैं, उसमें वो वाटर बॉटल डाल के चेक करवाते हैं कि हाँ ये डायपर आप लगाएंगे तो ये वाला बेटर है, ये वाला। जब एज आप करने लगते हैं ना, तो जब आपका पेल्विक एरिया, ठीक है, जो आपका एनल होता है, जो वो वीक हो जाती हैं उसकी मसल्स, तो जब हम एज करने लगते हैं तो बहुत सारे बूढ़े लोगों का बाथरूम बीच में निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आज से ही, चाहे आपको ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ये कीगल एक्सरसाइजेज, यानी जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज होती हैं, इनको प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करें। स्टार्टिंग से अपने बच्चों को भी कराएं, बॉयज़ एंड गर्ल्स किसी भी एज ग्रुप के आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, जब आप रेगुलर 3 महीने तक इन योग आसन को करेंगे तो 3 मंथ्स के अंदर ही आपको आपके अंदर बहुत ह्यूज डिफरेंस फील होगा। प्लस में इसका बेनिफिट क्या है एक और सुन लीजिए, जो बॉयज़ का नाइट में नाइटफॉल हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता उनको अपने ऊपर, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी। प्लस में जो गर्ल्स हैं उनका अगर वजाइना बहुत ज़्यादा लूज है, तो वैसे तो वो इलास्टिक वाला होता है, अपने आप ही नॉर्मल शेप में आ जाता है, लेकिन फिर भी डिलीवरी के बाद जैसे लूज की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाएगी, वो भी टाइटन हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इन एक्सरसाइजेस को रोजाना अपनी डेली रूटीन में सिर्फ 10 मिनट दीजिए और शामिल कर लीजिए। तो चलिए आज के योग आसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मूल बंद, जिसे हम कहते हैं एनल लॉक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुखासन में बैठ जाना है, या फिर आप इस तरीके से प्रॉपर आसन में बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। इस तरीके से बैठ के अब आपने क्या करना है, आपने अपनी सांस नहीं रोकनी, नॉर्मल ब्रीथ लेते रहना है। बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, सांस को रोक लेते हैं, सांस को नहीं रोकना, आपने एकदम टाइट करना है अपनी बॉडी को, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, समझ रहे हैं आप, वो एरिया, यानी आपका पूरा जो वजाइनल एरिया है, या अगर बॉयज देख रहे हैं तो जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, उसको आपने स्क्वीज करना है। इस तरीके से स्क्वीज है, जब किसी बॉल को दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो वो आपने स्क्वीज करना है और होल्ड करना है। देखिए कैसे अंदर की तरफ खींचना है अपनी मसल्स को, सिकोड़ना है, नॉर्मल ब्रीथ लेते रहना है, और जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपने होल्ड करना है। देन रिलैक्स, ठीक है, ब्रीथ होल्ड करेंगे, कम देर होल्ड कर पाएंगे, मसल्स को कम स्क्वीज कर पाएंगे, ब्रीथ अगर नॉर्मल लेते रहेंगे तो ज्यादा देर के लिए आप मसल को होल्ड कर पाएंगे। ऐसा आपने कम से कम पूरे दिन में 5 से 6 दफा करना है। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी के अभी ये स्टार्ट कर दो। योग आसन अगर आप ये सोचते हो कि लंबे समय का काम है, बहुत देर में आपकी बॉडी पर इफेक्ट देगा, बिल्कुल नहीं, हाथों हाथ इसका रिजल्ट मिलता है, आप बस फॉलो करो, ठीक है। दोबारा से हम करेंगे, रिलैक्स, ठीक है, 5 से 6 दफा करेंगे हम इसे। इसके साथ साथ आपको एक और बहुत अच्छा ऑप्शन बताती हूँ, जब आप यूरिन करने जाते हैं, यूरिन पास करने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यानी आप टॉयलेट जब जाते हैं, तब आपने क्या करना है, एकदम स्पीड से आपने यूरिन पास नहीं करना, ठीक है। जब आपको यूरिन का प्रेशर आया तो आपने थोड़ा सा यूरिन पास करना है, फिर आपने उसको अंदर होल्ड कर लेना है, मसल को स्क्वीज करना है। मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप ये प्रोसेस करते हैं ना, तो उससे आपकी मसल वहाँ की स्ट्रांग बनती है। जो लीकेज की प्रॉब्लम है ना बाथरूम आने के बीच में, या फ्यूचर में चाहते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम ना हो, आपकी मसल्स वहाँ पे स्ट्रांग हो, टाइट रहे मसल्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बार बार बोल रही हूँ, तो आपने थोड़ा यूरिन पास करना है, फिर स्क्वीज करना है, फिर थोड़ा सा यूरिन पास करना है। ऐसे जब भी आप यूरिन पास करने जा रहे हो, तो हमेशा वॉशरूम में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, फॉलो करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की तरफ। अगले योगासन के लिए आपने क्या करना है, मलासन में बैठ जाना है। कैसे, ऐसे बैठ गए आप, ठीक है, कोनी से अपनी जो एल्बो है इससे अपनी दोनों टांगों को प्रेस करना है पीछे की तरफ, और इस पोजीशन में आपने बैठ जाना है। इस
पोजीशन में बैठने के बाद आपको आपके जितना आप इसको खींचेंगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके लोअर पोर्शन में आएगा, जो आपको मैंने बताया ना कि आपको एनल लॉक करना है, मूल बंद करना है, तो आपको उसकी मसल को दोबारा से अच्छे से स्क्वीज करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें, देन रिलैक्स हो जाए। इसको आपने 10 दफा रिपीट करना है, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स होके नॉर्मल आप बैठ जाइए, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको दोबारा से प्रोसेस करेंगे, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप इसको परफॉर्म करें। जिनके घुटनों में दर्द है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वो आराम से इसको बेड पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो आपका गद्दा है बेड का वो हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं। डन। मैं यहाँ पे आपको बहुत कम करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसको हर जितने भी योगासन है कम से कम 5 से 6 दफा रिपीट करने ही करने, और जितना ज्यादा प्रयास कर पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले योगासन की तरफ। अगले योगासन के लिए आप पीच केवल मैट पे लेट जाइए, अपने हाथों से अपने पैरों की एडी को आपने होल्ड करना है इस तरीके से, शोल्डर, नेक और बाजू में आपकी फ्लोर से टच रहेंगी, बाकी बॉडी आपने ऊपर लिफ्ट करनी है और 5 से 10 सेकेंड इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है। देखिए कैसे पेट आपने दबा कर रखना है, पिचका कर रखना है, अगेन आपने नॉर्मल ब्रीथ लेते रहना है और अपना पूरा प्रेशर यानी पूरा जो मसल स्क्वीज करना है वो आपने यहाँ की मसल्स को स्क्वीज करना है। 5 to 10 सेकेंड्स। रिलैक्स। अगले योगासन के लिए आपने दोनों पैरों की पंजों को इस तरीके से आपने जॉइन करना है, उसके बाद आपने अपने फिंगर्स को, पैरों की फिंगर्स को यहां से होल्ड करना है हाथों से, देन उसके बाद धीरे धीरे आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे इतना फास्ट फास्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स कर रखिए अपनी लेग्स को और अच्छे से इसको इस तरीके से परफॉर्म करिए। हम में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अपने पैरों के और अपने इस एरिया में बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन करते हैं। जितना हो सके आपने अपनी एड़ियों को आपने इस एरिया के पास रखना है, जितना ज़्यादा पास रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी लेग स्ट्रेच होंगी और वहाँ की मसल को ज़्यादा जो है ताकत मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी, राइट। और जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। देखिए, देख रहे हैं आपने एक ऑलमोस्ट कितना पास रखा हुआ है, जितना आपसे मैक्सिमम होता है, अगर नहीं हो रहा है तो आगे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम 20 दफा रिपीट करेंगे और 3 सेट करेंगे, मतलब पहले 20 करेंगे, फिर 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे, फिर ऐसे ही 2 सेट इसके और हम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होके आपको खुद पूरा स्ट्रेच इस एरिया में फील होगा, नॉर्मल ब्रीथ आप लेते रहेंगे। ओके, रिलैक्स। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले योगासन की तरफ। अगले योगासन के लिए आपने दोबारा से पीठ के बल मैट पे लेट जाना है, बिल्कुल आराम से। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से पहले दोनों घुटनों को जॉइन करना है, जॉइन करने के बाद में आपने अपने पैरों के पंजों को मिलाना है और अपनी लेग्स को ओपन करना है, जितना हो सके मैट से टच करने का ट्राई करना है हाथों के दबाव से। दोबारा से ऊपर कर लीजिए, दोबारा से नीचे करेंगे, ऐसा आपने 10 दफा रिपीट करना है और इसके आपने करने हैं 2 सेट। 2 सेट मतलब 30 बार आपको इसको रिपीट करना है।
एक सेट यानी 10 करने के बाद में आप 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं एंड देन दोबारा इसको परफॉर्म करें। जब आप नीचे अपने हाथों का प्रेशर लगाएंगे और अपनी लेग्स को मैट से टच करने का या फ्लोर से टच करने का ट्राई करेंगे तो पूरा स्ट्रेच आपको इस एरिया पे फील होगा जो हमें बेसिकली चाहिए। ओके, रिलैक्स हो जाइए। दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? और साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। तो यहां पर आपके सारे योगासन कंप्लीट होते हैं। गाइज, आई होप कि आपको मेरी ये वाले योगासन बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि आप लोगों की हेवी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? बिल्कुल भी शाय मत फील करिएगा जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है। अगर आप बॉय भी देख रहे हैं, अगर आपकी एज 16 भी है, तो भी अभी से ये एक्सरसाइजेस फॉलो करें, अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ, अपने ब्रदर के साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम ये वीडियो शेयर करेंगे तो मे बी उनको ये प्रॉब्लम हो और वो एकदम से इसको नॉर्मल समझ रहे हो, जो फ्यूचर में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूचर में ऑलरेडी आपकी मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि उस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता और आपका बीच में यूरिन लीक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाद में ये प्रॉब्लम से बेटर है कि अभी से उसको क्योर करें, क्योंकि योगासन एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई वीडियोस के साथ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।